शालूम एंड प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों को एक बार फिर से वेलकम बैक। तो आज हम सीख रहे हैं कुछ काउंटिंग, कुछ मैथ। मैं आपको दिखाऊंगी कुछ तस्वीरें और वो तस्वीरें देख के आप मुझे बताएंगे काउंट करके कि कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी कम। यानी कि हम सीखेंगे मोर एंड लेस के बारे में। तो देखते हैं पहली तस्वीर। तो आपके ख्याल में दो ऑरेंजेस ज्यादा हैं या 12 ऑरेंजेस ज्यादा हैं? यकीनन आपका जवाब होगा 12 ऑरेंजेस। चलिए नेक्स्ट तस्वीर देखते हैं। वन जेली बीन ज्यादा है या 6 जेली बीन ज्यादा है? Which one is more? Next तस्वीर देखते हैं। Wow, yummy French fries. तो आपके ख्याल में 4 French fries ज्यादा है या 20 French fries ज्यादा है? यकीनन आपका जवाब होगा 20 French fries. वाओ, आपकी काउंटिंग और आपका मैथ तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज हम देखेंगे कि जीसस कुछ डिफरेंट किस्म का की काउंटिंग और डिफरेंट किस्म का मैथ कर रहे हैं इस स्टोरी में। तो हम सीखेंगे बाइबल की एक स्टोरी जो कि है काउंटिंग और मैथ के बारे में और जीसस के बारे में। सो आर यू रेडी? तो चलिए सीखते हैं आज की स्टोरी। ये कहानी सीखने के लिए हमारे पास हैं कुछ चीज़ें। इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम सीखेंगे आज की ये स्टोरी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जीसस से। जीसस मौजूद है हैकल में। हैकल चर्च की तरह से एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे सब लोग जो है वो खुदा यीशु मसीह के दौर में इबादत करने के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए वहाँ पर आया करते थे। तो मेरे पास है ये एक चेयर। चेयर किस लिए इस्तेमाल होती है? बैठने के लिए। तो खुदा यीशु मसीह वहाँ पे हैकल में बैठे हुए थे और वो लोगों की भीड़ को वहाँ पे देख रहे थे। भीड़ का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं। तो हैकल में उस टाइम पे बहुत सारे लोग जमा थे और वो कुछ खास कर रहे थे। अब वहाँ पे कुछ खास काम चल रहा था। वो क्या था? वहाँ पे मौजूद था एक ऑफरिंग बॉक्स, यानी कि हदिया डालने की जगह। तो उस ऑफरिंग बॉक्स में बहुत सारे लोग आके अपने हदिया जात पैसे वहाँ पे डाल रहे थे। हदिया जात हम इसलिए डालते हैं, आज भी हमारे चर्चेज़ में ऑफरिंग बॉक्सेस होते हैं और हम उसमें जो है वो पैसे डालते हैं और जो भी प्रीस्ट या काहिन होते हैं वो बाद में इन पैसों को जो है वो निकाल के यूज़ करते हैं खुदा के कामों के लिए और उन लोगों की मदद भी करते हैं जो किसी भी मुश्किल में होते हैं या मुसीबत में होते हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं होता है और जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, उनकी भी हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे था एक ऑफरिंग बॉक्स। और नेक्स्ट है मेरे पास ये बॉक्स और इसमें है, इसमें क्या है? इसमें है बहुत सारी रिंग्स और कॉइन्स। तो वहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग जो है वो आ रहे थे और वहाँ पे उस ऑफरिंग बॉक्स में, ये है ऑफरिंग बॉक्स, और उसमें ढेर सारे पैसे डाल रहे थे। और नेक्स्ट है मेरे पास ये पाउच। देखते हैं इस पाउच में क्या है। इस पाउच में है
दो छोटे छोटे से कॉइन्स। तो उस दौरान में जब तमाम अमीर और रिच लोग आके ढेर सारे पैसे उस ऑफरिंग बॉक्स में डाल रहे थे, उसी टाइम पे वहाँ पर आई एक गरीब सी बेवा और वो लेकर आई ये दो कॉइन्स, दो छोटे छोटे से कॉइन्स जिनको दमड़ियाँ उस टाइम पे बोला करते थे। तो वो दो दमड़ियाँ लेकर उस टाइम पे आई और उसने ये दो दमड़ियाँ इस ऑफरिंग बॉक्स में डाल दी। वो बहुत गरीब थी और उसके पास शायद खाने को भी कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने अपने उसके पास जितने भी पैसे थे, यानी कि वो सिर्फ दो कॉइन्स, वो उसने सब के सब इस ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिए। उस टाइम पे खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया और उनको बता और उनसे कहने लगे कि इन तमाम लोगों ने जितनों ने हैकल के ख़जाना में पैसे डाले, इस बेवा इस कंगाल बेवा ने सबसे ज़्यादा डाले, क्योंकि औरों ने तो बहुत सारे बहतात में से जो है वो अपने माल की बहतात में से जो है वो एक हिस्सा उसमें डाला, लेकिन इस बेवा औरत के पास जो कुछ भी था वो सब इसने इसमें डाल दिया। तो वो बेवा जो है वो तो वो बहुत सखी बहुत जनरस थी, राइट, सखी और जनरस और बहुत ही बड़े दिल की थी। तो जनरस या सखी कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो खुशी से देते हैं। तो आज की मेमोरी वर्स सीखते हैं। आज की मेमोरी वर्स है दूसरा करंथियों उसका 9 और उसकी 7 आयत। और खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, दूसरा करंथियों उसका 9 और उसकी 7 आयत। और खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे उस बेवा ने बहुत खुशी से अपना सब कुछ जो है वो उस ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया, खुदा चाहता है कि हम भी खुशी से देने वाले बने। चलिए सीखते हैं एक एग्जांपल से। तो आप अपने एक फ्रेंड के पास जाते हैं जिसके पास है ये पूरा बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, वाओ यम्मी चॉकलेट्स। और आप उसके पास जाते हैं और वो अपने बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स में से 8 चॉकलेट्स आपके साथ शेयर करता है। ये चॉकलेट्स आपके साथ शेयर करने के बाद भी उसके पास पूरा बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स मौजूद है। चलिए एक और, आप अपने एक और फ्रेंड के पास जाते हैं और उस फ्रेंड के पास हैं सिर्फ ये 3 चॉकलेट्स। और आप उसके पास जाते हैं और वो अपनी ये तीनों चॉकलेट्स जो है वो आपको दे देता है। और उसके पास पीछे कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों फ्रेंड्स में से कौन सा फ्रेंड ज़्यादा जनरस था, कौन सा फ्रेंड बड़े दिल का था? ऑफ़ कोर्स द सेकेंड वन। खुदा ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, खुदा ने हमें घर दिया है, खुदा ने हमें खाना दिया है, खुदा ने हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लोथ्स दिए हुए हैं, हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉयज़ हैं जो हमें खुदा ने दिए हैं, और ये चॉकलेट्स भी दी हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम ब्लेसिंग्स के लिए खुदा का शुक्र अदा करें और हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स में से कुछ दूसरों के साथ भी शेयर करें जो कि ज़रूरतमंद हैं। हमारी लाइफ में डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और वो अपनी ब्लेसिंग्स को बिल्कुल भी शेयर करना पसंद नहीं करते। और कुछ लोग जो हैं वो जो है वो कहते हैं कि ओके मैं आपके साथ ये ब्लेसिंग्स शेयर करूँगा। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है मैं एक हैंडफुल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि ओके मैं आपके साथ 2 हैंडफुल्स जो हैं वो शेयर करूँगा।
तो ये डिफरेंट किस्म के लोग जो हैं वो हमारी लाइफ में होते हैं, लेकिन ख़ास बात ये है कि हम जो भी कुछ दूसरों के साथ शेयर करते हैं वो खुशी से शेयर करें, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। तो इन रोज़ों के अयाम में हम सीखेंगे खुशी से देना। तो आप सब जो है वो अपने अपने घरों में कोई इस तरह का बॉक्स रखें या कोई भी जार ऐसा जो है वो आप रख सकते हैं, और इस बॉक्स में और इस जार में जो है वो आप डाल सकते हैं कुछ कॉइन्स या अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे। आहिस्ता आहिस्ता इस बॉक्स में जो है वो जमा करते रहें, और इसी तरह से जो है वो हम बनाएंगे इस तरह का एक बड़ा बॉक्स लेंगे और उस पर लिखेंगे डोनेशन बॉक्स। और इस डोनेशन बॉक्स में हम क्या डालेंगे? इस डोनेशन बॉक्स में हम डाल सकते हैं, मुझे मालूम है आपके पास बहुत सारे, खुदा ने आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं और इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, और आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आती है, कोई टॉयज़ हैं या कोई कपड़े हैं या कोई पोनीज हैं जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो आप उसको इस डोनेशन बॉक्स में डालेंगे और उसको शेयर करेंगे उन लोगों के साथ जो ज़रूरतमंद हैं, राइट? तो हम वंस वी आर डन, हम लोग जो है वो जब इसमें पैसे जमा कर लेंगे, डोनेशन बॉक्स में जो है वो हम कुछ चीज़ें जमा कर लेंगे, तो हम जो है वो ये सब खुदा के घर में भी लेके जा सकते हैं, चर्च में भी जो है वो अपनी ऑफरिंग्स और अपनी डोनेशंस लेके जा सकते हैं, और इसी तरह से हम किसी ऑर्फनेज में जा सकते हैं या किसी ऐसे ज़रूरतमंद को जो है वो उनके साथ ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं जिनको वाकई जो है वो इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो और उनके पास पैसे नहीं हैं ये सब ख़रीदने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, हम कुछ और भी दे सकते हैं। हम खुदा को क्या दे सकते हैं? हम खुदा को अपना टाइम भी दे सकते हैं, राइट? तो हम सारा दिन जो है वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसमें से क्या हम कुछ थोड़ा सा टाइम जो है वो हम खुदा को दे सकते हैं खुदा की इबादत करने के लिए, उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए और बाइबल पढ़ने के लिए? तो इन रोज़ों के अयाम में, इस लेंट सीज़न में हम खुदा को टाइम देना भी सीखेंगे, और ये सब चीज़ें कैसे देंगे? खुशी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। तो आज हमने सीखा कि हम कैसे खुशी के साथ अपनी ब्लेसिंग्स को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और खुदा के साथ भी हम अपना टाइम जो है वो उसको दे सकते हैं, और खुदा ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है जो उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। So God bless you all. Have a great day.